जब योगी जी सांसद सदस्य थे, उन्होंने मनमोहन सरकार से अनुरोध किया कि नई पेंशन व्यवस्था के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था की जाए। आइए उस पत्र को पढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ संसद सदस्य, लोकसभा, श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, नाथ एवेन्यू, नई दिल्ली, 1,10,001, दिनांक 21/05 2013। सेवा में माननीय श्री मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। प्रिय महोदय, संलग्न ज्ञापन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश जनपद शाखा गोरखपुर का है। इस ज्ञापन के माध्यम से मैं आपका ध्यान पेंशन निधि नियामक एवं विकास अधिनियम PPRDA 2011 में किए गए प्राविधानों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, जिसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन, ग्रेड वेतन व महंगाई भत्ते के योग का 10% हिस्सा कर्मचारी के मासिक वेतन से काटकर उतनी ही धनराशि सरकार द्वारा जमा किए जाने का प्राविधान किया गया है। इस जमा धनराशि को फंड मैनेजरों के माध्यम से शेयर बाजार में लगाया जाएगा। आप सेंसेक्स एवं निफ्टी में उतार चढ़ाव को भलीभांति परिचित हैं। नए पेंशन व्यवस्था द्वारा कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान धन निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है तथा सेवानिवृत्ति पर भी उसे क्या रिटर्न मिलेगा, ये बाजार पर निर्भर करेगा। सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी नहीं ली जा रही है, इससे कर्मचारियों में भारी रोष है, धरना प्रदर्शन तथा हड़ताल भी कर रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि नई पेंशन व्यवस्था के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लागू रहने दिया जाए तथा इस अवधि में केंद्र तथा राज्य के कर्मचारियों के वेतन से काटी गई धनराशि उनके GPF खाते में ब्याज सहित जमा कराई जाए। धन्यवाद। शुभेच्छु, योगी आदित्यनाथ।